गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 अनुपात समानुपात एवं मिश्रण के क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 18 से। यदि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक बात और प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फॉर्म का वेट कर रहे हैं कि जब यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप अभी से ही अच्छी से तैयारी कीजिए, यानी कि कंटिन्यूटी जरूरी है। डेली बेसिस पर आप 2 से 3 घंटा जरूर पढ़ा करें, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। क्योंकि जो आपका एग्जाम होना है वह आपका फिक्स समय है, यानी कि जो आपका समय दिया गया है इस समय अप्रैल मंथ में, तो उससे 10 या 15 दिन का इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि मई के फर्स्ट वीक या अप्रैल के लास्ट वीक में होने की है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि डेली बेसिस पर आप 1 से 2 घंटा जरूर तैयारी किया करें, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर लेवल पर पहुंच सके और आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस के अनुसार एक अच्छा रैंक पा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, एक थैली में ₹1.50 तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन ₹116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है यह आपको ज्ञात करना है। कोई एक थैली है जिसमें 3 प्रकार के सिक्के रखे गए हैं, एक आपका रुपया का है, एक आपका 50 पैसे का है और आपका 10 पैसे का, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे वाले सिक्के रखे गए हैं, जो यह टोटल धन, जो टोटल रुपया, या यह कह सकते हैं जो टोटल अमाउंट उस थैली में रखा गया है वो दे रखा है आपको 116। और जो इन सिक्कों का अनुपात है, यानी कि उस थैली में जो आपके 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है वह दे रखा है 3:4:8 में, यानी 1 रुपया का 3 अनुपात है, 50 पैसे का 4 अनुपात है और 10 पैसे का 8 अनुपात है। तो आपको बताना है कि उस थैली में 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि उस थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 3x, 4x और 8x है। तो मैं मान लेता हूं, माना कि उस थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसों के सिक्के क्रमशः मैंने मान लिया 3x, 4x और 8x है। क्या माना मैंने? 3x है, 4x है और 8x है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि जो टोटल आपका अमाउंट है 116 रुपया में दिया है। तो मैं क्या करूंगा, सबको रुपया में चेंज करूंगा। तो देखिएगा, 1 रुपए 1 वाले सिक्के का 3 अनुपात है, तो इसका तो आपका हो जाएगा 3x। ध्यान में रखिएगा, आपको जो यह रुपया पैसा पैसा में दिया है सबको रुपया में चेंज करना है, तो 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 3x ही होगा प्लस का। अब देखिए, यहाँ पर 50 पैसे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर तो 4x तो रहेगा ही, लेकिन आप 50 पैसे को जब रुपया में चेंज करेंगे तो 50 पैसा 1 रुपया का कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर आपको 1/2 लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पर 1 ही रुपया था तो 3 × 1 करेंगे 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो 50 पैसे का 4 अनुपात है तो 4x तो लेना ही लेना होगा, लेकिन इस 50 पैसे को आपको रुपया में चेंज करना होगा। तो 50 पैसे को रुपया में क्या कहते हैं, 1/2, यानी कि 1 रुपए का आधा ही आपका 50 पैसा होता है। फिर प्लस का 10 पैसे का सिक्का कितना है, 8x। अब देखिए,
दस पैसे को भी आप रुपया में चेंज करेंगे तो 10 पैसा 1 रुपया का कितना होता है? 1/10 रुपया। 1/10 रुपया क्योंकि 1 रुपया में आपका 100 पैसा होता है और 100 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पैसा, यानी कि हम 10 पैसे को 1/10 रुपया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो 10 पैसे का अनुपात है वो आपका 8x है और 10 पैसे को रुपये में लिखने के लिए 1/10 के रूप में लिखना होगा, तो 1/10 टोटल का जो योग आना चाहिए वो आपका 116, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिएगा आपका 3x हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, यानी यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस का, यहाँ से 2 चौक 8 और 2 पचे 10। अब देखिएगा यहाँ से आपको मिलेगा 4x/5 और टोटल का आपका 116। अब देखिएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका होगा 5x+4x/5=116। यहाँ से आपको आगे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको करना क्या है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा केवल और केवल 5, ये आपका 5×25x+4x करेंगे तो 29x आपका हो जाएगा 116, 29 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए तो x का मान निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी x का जो मान है वो आपका 20 है। आपको बताना है कि 10 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों को मैंने कितना माना है 8x, तो 8 हो जाएगा और x का मान आपने निकाला है 20, तो 8 × 16, यानी कि 10 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी वो आपका 160 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही पर प्यारे दोस्तों यदि आपसे पूछा जाता कि उस थैली में 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 4×x का मान 20 रख दीजिए, यानी 80 सिक्का है 50 पैसा का, 1 रुपया का कितना सिक्का है, तो 3×x का मान 20, यानी कि 60 सिक्के 1 के हैं, 80 सिक्का 50 पैसा का है और 160 सिक्का 10 पैसा का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, ए तथा बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है, यदि प्रत्येक की बचत ₹300 हो तो ए की आय कितनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 की तरह है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 को बिल्कुल बेसिक से आसान भाषा में समझाऊंगा और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन आप ही को करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 को समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है ए तथा बी की आय का अनुपात जो दे रखा है 4:3, तो मैं मान लेता हूं, माना कि ए व बी की आय, ए व बी की आय, मैं मान लेता हूं कि ए व बी की आय जो है वो आपका है 4x और कामा का 3x। मैंने मान लिया कि ए व बी का जो आय है वो 4x और कामा 3x है और फिर आगे दिया गया है कि उनके व्यय का अनुपात 3:2, तो ए व बी की व्यय जो है वह 3:2 दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं जो व्यय है वह आपका 3y और 2y है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि वह प्रत्येक यानी कि ए व बी जो बचत करते हैं वह 300 रुपया करते हैं, यानी कि जो बचत है दोनों का समान है, ए भी 300 रुपया बचाता है और बी भी 300 रुपया बचाता है। तो देखिएगा जितनी आपकी आय होती है जब आय में से व्यय घटाएंगे तभी आपको बचत निकलेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 5,000 कमाता है, इसमें से यह तो आय उसका हो गया, यानी कि जो कमाता है वो आय हो गया, इसमें से मान लीजिए 3,000 यह व्यय कर देता है यानी कि खर्च कर देता है तो बचत कितना होगा, जब 5,000 में से 3,000 घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा 2,000 बचत है। तो सेम यहाँ पर भी करना है आपको, आय में से व्यय घटाना है बराबर किसके होगा, बचत के। तो ए की बात करते हैं तो ए का आय आपका है 4x और ए का व्यय आपका है 300, 3y बराबर कितना बचाता है 300। फिर अब आते हैं बी पर, तो बी की आय कितना है 3x और बी का व्यय कितना है 2y, यह भी कितना बचाता है 300 रुपया बचाता है। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है और आपको आंसर लाना है, तो मैं क्या करता हूं आपको क्वेश्चन में
पूछा गया है ए की आय। ए की आय यानी यदि हमको यक्ष का मान पता चल जाए तो हम आय निकाल सकते हैं, तो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको वाई वाले वाई का जो कॉन्जुगेट है, जो वाई के साथ आपका गुणनफल है, उसको आपको बराबर करना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। यदि मैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दूं तो वाई वाला जो है हमारा कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे का 2, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 4 गुणा 8 एक्स माइनस का 6 वाई बराबर आपका हो जाएगा 2 × 3 = 600। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणे कर लेते हैं 3, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 × 3 = 9x माइनस का 6y बराबर 3 × 3 = 900। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं तो x का मान हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 माइनस का 3 से, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 4 माइनस 3 से, तो समीकरण 4 आपका क्या है 9x माइनस 6y बराबर है आपका 900। इसमें से आपको 3 घटाना है तो 8x माइनस 6y बराबर आपका है 600। इसी को घटा दीजिए तो माइनस करेंगे, 9x में से 8x घटेगा तो x ये आपका घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6y प्लस 6y कटेगा और 900 में से 600 घटाएंगे 300, यानी जो x का मान आ गया वो आपका 300 आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की आय कितनी है, तो a की आय को आपने माना है 4x, तो 4 गुणे x का मान आपने निकाला है 300, यानी a की जो आय है वो आपका है 1200। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से समझिएगा। x और y की आय का अनुपात 8:7 तथा व्यय का अनुपात 19:16 है। यदि प्रत्येक रुपया 1250 की बचत करता है तो उनकी आय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कुछ नहीं दिया गया है, देखिएगा इसमें भी आपका बजट समान है, यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह सॉल्व करना है, बस आपकी संख्या चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, रुपया 117 को P, Q, R में 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2:3:4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका टोटल रुपया है 117, इसको PQR में 1/2 / 1/3 / 1/4 अनुपात में बांटना था, लेकिन त्रुटिवश या गलती की वजह से इसको 2:3:4 में बांट दिया गया। तो आपको यह बताना है कि त्रुटि के कारण जो आपका यह धन अलग अलग बढ़ गया, यानी कि त्रुटि के कारण बांटना चाहिए था यह रुपया, मतलब इस अनुपात में, तो इस अनुपात में बढ़ गया तो किसको लाभ होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए बताया था कि कभी भी आपका भिन्न के रूप में दिया हो उसको आपको सिंपल नंबर में चेंज करना हो तो करना क्या होता है, इन तीनों संख्याओं का आपको एलसीएम लेना होता है। कभी भी कोई भी आपका भिन्न के रूप में दिया हो, आपको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों उसको एक साधारण नंबर में लेना होता है। तो साधारण नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको हर का आपको एलसीएम लेना पड़ता है, तो 2, 3, 4 का आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब करना क्या है, 12 का इसमें भी गुणा, 12 का इसमें भी गुणा और 12 का इसमें भी गुणा कर देना है, तो 1/2 गुणे का 12 अनुपात 1/3 गुणे का 12 अनुपात 1/4 और गुणे का 12। अब देखिए 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, यानी कि जो सही नंबर में इनका अनुपात आया 6:4:3। ओके, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिएगा 117 रुपये को PQR में 6:4:3 में बांटना चाहिए था,
लेकिन गलती से उन्होंने दे अनुपाते 3:4 में बांट दिया। तो यह बोला है कि गलती से बांटने की वजह से इस PQR में किसका लाभ होगा, यानी किसको धन ज्यादा मिल जाएगा इसकी तुलना में। तो यहाँ पर देखिएगा 6, 4, 10, 3, 13, जो 13:1 की वैल्यू है वो आपका है 117, तो 13 × 117 यानी 1:9 का मान है 9। 1:9 का मान है 9, तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1:9 का मान है 9 तो 6:1 का मान कितना होगा 54, और 1:9 का मान है 9 तो 4:1 का मान कितना हो जाएगा 36, 1:9 का मान है 9 तो 3:1 का मान हो जाएगा 27। यानी कि 117 रुपए को सही में अगर बांटा गया होता तो पी को 54 रुपया, क्यू को 36 रुपया और आर को 27 रुपया मिलता, लेकिन गलती से इनको 2:3:4 में बांट दिया है। अब आप चेक करिए कि इस अनुपात में बांटने पर पी क्यू आर को कितना मिलता है। तो देखिएगा यहाँ पर अनुपात देखेंगे तो 4:3:7:9 यानी 9:9 का यहाँ पर आपका मान 117 ही है, तो 9:9 का मान 117 है तो 13:9 यानी 1:1 का मान 13, तो पी को कितना मिलेगा 1:1 का मान 13 तो 2:1 का मान 26, 1:1 का मान 13 तो यहाँ से 3:1 का मान कितना हो जाएगा 3:1 का मान हो जाएगा 39, 1:1 का मान 13 तो 4:1 का मान 52। तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू आर को 54, 36 और 27 मिल रहा था, यहाँ पर पी क्यू आर को 26, 47 और 52 मिल रहा है। अब आप देखकर बताइए कि किसको लाभ मिल रहा है, यानी यदि गलती से इस अनुपात में बांट दिया जा रहा है 2:3:4 में तो किसको लाभ मिल रहा है। देखिएगा यहाँ पर Q को 36 रुपया मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा है 39, यानी Q का लाभ हुआ, यहाँ पर Q को मिल रहा है 36, यहाँ पर मिल रहा है 39, यानी गलती से बांटने पर Q को लाभ मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा R को मिल रहा था 27 और यहाँ पर मिल रहा है 52, यानी R को भी गलती से बांटने की वजह से लाभ मिल रहा है, आपसे यही पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि इस अनुपात के बजाय त्रुटिवश इस अनुपात में बांट दिया जाए तो किसकी हानि होगी, तो हानि किसका होगा, हानि जो होगा वह पी का होगा, क्योंकि पी को सही में मिलना चाहिए था 54 रुपया लेकिन पाया है केवल और केवल 26 रुपया। तो आपको यह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 / 2:2/3 है, प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3/2:1/2 हो जाता है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है यह आपको ज्ञात करना है। तो जो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:1/2 / 2:2/3, तो मैं मान लेता हूं कि जो इनका अनुपात है 1:1 आपका 1:2/2 / 2:3/3 में है। मैंने मान लिया कि जो इनका अनुपात है उन दो संख्याओं का अनुपात है 1:1/2 / 2:2/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा 2×2 = 3/2 / 2x लिख सकता हूं, 3×6 = 8/3x। बोला है कि प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, यानी यहां पर भी आपको 15 जोड़ देना है और यहां पर भी 15 जोड़ देते हैं तो जो अनुपात बनता है 1:2/3 अनुपात बनता है आपका 2:1/2 के। तो आपको बताना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है। तो देखिएगा यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको 3x+30/2, यहां पर 3 एलसीएम होगा तो 8x+45 = देखिएगा 3×3 = 5/3 क्या लिख सकते हैं, 2×2 = 5/2, यहां से 5 से 5 कैंसिल होगा तो
तो यहां से देखिएगा आपका क्या होगा, तीन आपका ऊपर वाले में जाएगा, यानी कि तीन ऊपर वाले में जाएगा तो 3x+33 हो जाएगा, और जो आपका दो है इसके साथ आएगा, यानी आपका हो जाएगा 8x+45 बराबर आपका हो जाएगा, दो आपका ऊपर जाएगा तो 2/3। अब देखिएगा, अब यहां से आपको ध्यान से समझना है, तो देखिएगा अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 3 में गुणा किया 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में रहेगा 3x+30, 3x+30 बराबर, यहां पर 2 का पूरा मैं 2 में करा देता हूं तो 4 हो जाएगा, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 8x+45, 8x+45। अब देखिएगा गुणा कराते हैं तो 9 3 क्या हो जाएगा, 9 3 आपका हो जाएगा 27x+9 3 आपका हो जाएगा 270 बराबर 4/32x+45 × 4 करेंगे तो 180। अब 32x में से 27x घटाएंगे तो 5x बटेगा, अब 270 में से 180 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 90। ओके, 5 से काट दीजिए तो 18 बार भी कटेगा, यानी x का जो मान आया वह आपका आया 18। आपको बताना है कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 3/2x, क्योंकि यह आपका मिश्रित भिन्न में था, इसको साधारण भिन्न में चेंज किया तो 3/2x था, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, x का मान आपको रख देना है 18। तो यहां से कितना मिलेगा, 2 9 18, तो 9 3 27, यानी जो पहली संख्या है 27। अब इसको भी चेक कर लीजिए, जो दूसरी संख्या आपका है 3 2 6 2 8/3x, तो यहाँ पर देखिएगा 8/3 x का मान 18 रख दीजिए तो 3 6 18, तो 8 6 48, यानी जो पहली संख्या है 27 और दूसरी संख्या आपकी 48। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, आपका 48 बड़ी है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, संख्या 3 और 9 का तृतीय समानुपात क्या होगा। संख्या 3 और 9 का आपको तृतीय अनुपात निकालना है। जो तृतीय अनुपात मान लीजिए x है, तो तृतीय अनुपात बराबर होता है आपका b² / a। b का मान कितना है, 9 है, a का मान कितना है, 3, यही रख दीजिए तो 9 × 9 / a का मान है 3, तो 3 3 9, यानी x का जो मान आ जाएगा 27। जो तृतीय अनुपात होगा 3 और 9 का 27 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको डाउट सेशन की क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, मैं इसको डाउट सेशन की क्लास में यानी संडे को सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, एक बोतल डिटॉल से भरी है, इसमें से 1/3 डिटॉल निकाल दी जाती है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यह क्रिया 4 बार दोहराई जाती है, बोतल में डिटॉल एवं पानी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि कोई डिटॉल, एक बोतल है उसमें डिटॉल भरा है, बोला है कि उसका 1/3 भाग डिटॉल का निकाल दिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है, और यही क्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो आपको आपको डिटॉल व पानी का अनुपात बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने मान लिया कि जो टोटल अमाउंट है डिटॉल का वो है आपका 3, मैंने मान लिया जो टोटल अमाउंट है डिटॉल का वह मैंने मान लिया है 3, बोला है इसका
ही पानी डाला जाता है, यानी कि तीन का आप एक तिहाई निकालेंगे तो एक बट्टा तीन, यानी कि जो तीन भाग डिडाल था इसमें से एक भाग डिडाल निकाल लिया गया, तीन भाग डिडाल था इसमें से एक भाग डिडाल निकाल लिया गया, तो डिडाल तो बचेगा आपका दो, और जो डिटाल व पानी का मिश्रण हुआ कितना होगा, डिटाल व पानी का जो मिश्रण हो जाएगा वह तीन हो जाएगा, क्योंकि एक भाग डिटाल निकाला जाता है तो एक भाग पानी भी तो डाल लेता है, यानी कि जो यह आपका पहले जो शुरुआत में जो आपका डिटाल था तीन भाग था, तो वह भी पानी व डिटाल मिलाकर तीन ही है, यानी कि जितना बोतल से डिटाल निकाल रहा है उतना ही बोतल में पानी डालना, यही क्रिया चार बार दोहरा रहा है, तो चार बार लिख लीजिए, दो से तीन, दो से तीन और दो से तीन, बस। अब दो दुना चार दुना आठ दुना 16 भाग तो डिटाल हो जाएगा, तीन तीन नौ तीन 27, 81 भाग आपका हो जाएगा डिटाल और पानी का मिश्रण। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिटाल और पानी का अनुपात बताइए, तो क्या आप यह कह सकते हैं 16:21 होगा, यह पूरी तरह से गलत होगा, जो डिटाल है यह तो 16 होगा लेकिन पानी क्या होगा, जब आप डिटाल व पानी का मिश्रण आपका है 81 भाग, जब डिटाल व पानी का मिश्रण है 81 भाग, 81 भाग में से 16 भाग डिटाल का घटाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पानी कितना भाग है, 81 भाग में घटा लीजिए, 11 में 6 जाएगा 5, फिर 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कि जो नया मिश्रण आपका बना उसमें डिटाल 16 भाग और जो पानी है वो 65 भाग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद देख लेते हैं होमवर्क के 5 क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल कोड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।